बॉय और मास्टर फैंग की तलवार। हैया, मैं हूँ मास्टर फैंग, दुनिया का सबसे बड़ा कुंग फू मास्टर। मुझे और मेरी शानदार तलवार को कोई नहीं हरा सकता। हाय कॉनर। हम दोनों मास्टर फैंग का टीवी शो देखने आए हैं। सॉरी कॉनर, गुस्सा मत करो, मास्टर फैंग को कभी गुस्सा नहीं आता। मैं जानता हूँ, मैं मास्टर फैंग के बारे में सब जानता हूँ, मैं उनका एक भी शो नहीं छोड़ता। कितना कमाल है कि उन्हें कभी गुस्सा नहीं आता। हीरो बनना उन्हीं से तो सीखा है मैंने। हेलो दोस्तों, मास्टर फैंग हाजिर है, पर एक बुरी खबर है। कल रात मेरी तलवार चोरी हो गई और जब तक वो नहीं मिलती मैं ये शो नहीं कर पाऊंगा। मास्टर फैंग की तलवार चोरी हो गई? ठीक है कॉनर, हम उसे ढूंढकर वापस लाएंगे। जरूर ढूंढेंगे, उसे कोई नहीं चुरा सकता। पीजे मास्क्स हम आ रहे हैं। लो हो गई रात और एक बहादुर हीरोज की टोली आ रही है पूरे विलन्स को आपका दिन बिगाड़ने से रोकने के लिए। जिसकी है तेज दौड़, रोके ना कोई मोड़, वो है आउलेट। जिसकी है उल्लू की नजर फिर भी दुनिया बेखबर, वो है गेको। जिसके टोले हर जगह मचाए शोले, वो है कैटबॉय। चलो तो तलवार ढूंढते हैं। रुक जाओ, पहले चाल तो सोचने दो। वक्त बर्बाद हो रहा है। रुको, पहले वहाँ देखो। बढ़िया, अब नजदीक से देखते हैं। वो तो निंजलिनों के पैरों के निशान है। चलो चलते हैं। वीडियो शूटिंग करना। वो मास्टर फैंग की तलवार है नाइट निंजा, उसे वापस कर दो। आखिर नन्ही मुन्नी बिल्ली आ ही गई। वो तुम भूल जाओ, उस कमजोर मास्टर फैंग से तो मैं ही इस तलवार को अच्छा चला सकता हूँ। इसका मतलब मेरा टीवी शो और भी बेहतर होगा। अब बताओ कैटबॉय, प्लान क्या है? बिल्ली की धांसू दौड़। कैटबॉय। देखा, तुम पीजे मास्क आज कुछ नहीं कर पाओगे। कैटबॉय गुस्से में है, उसने अपना प्लान भी नहीं बताया। अब तुम ही बताओ क्या करें। मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ तो करना होगा। गेको का धातु अदृश्य कवच। जाओ निंजालिनो। ये क्या हो रहा है? छींटे। मेरे निंजा दार टीवी शो का वक्त हो गया है और पीजे मास्क जो ताली नहीं बजाएंगे उन्हें टिकट्स नहीं मिलेंगे। तुम बच के नहीं निकल सकते। ओ अच्छा, पर मैं तो निकल गया इसी वक्त। ये देखो, बाय बाय, बाय मुड, बाय मुड। मैं तुम दोनों को छुड़ाती हूँ। शुक्रिया आवलेट। दुष्ट निंजा। प्लीज शांत हो जाओ कैटबॉय, हमें एक प्लान की जरूरत है। हाँ, मास्टर फैंग की तरह शांत रहो, वो कभी गुस्सा नहीं होते। हाँ, वो इसलिए क्योंकि पहले कभी किसी ने उनकी तलवार नहीं चुराई। इस वक्त वो भी मुझ जितना ही गुस्सा हो रहे होंगे। चलते हैं, चलो चलो चलो। देखो, वो
मास्टर फैंग की क्लास है। ये वही जगह है जहाँ पर वो कुंग फू सिखाते हैं और टीवी शो भी करते हैं। वाह, उनकी तलवार सच में बढ़िया है। पर कितने सारे सुंदर जवाहरात हैं। हाँ, उतने हैं जितने साल की उनकी ट्रेनिंग है। ध्यान से सुनो कैट बॉय, तुम नाइट निंजा का ध्यान भटकाओ। तुम अपना कवच छोड़कर उसके पीछे जाओ और मैं ऊपर से। मैं उसे मास्टर फैंग की तलवार के साथ नहीं देख सकता, उसने चोरी की है। हाँ, पर कैट बॉय नहीं। कई काम से तुम कभी मास्टर फैंग जैसे नहीं बन सकते नाइट निंजा। वो तलवार वापस कर दो। शो का वक्त हो गया, वापस लौटाओ। अब हम क्या करें? जल्दी करो, हमें उसकी मदद करनी है। बिल्ली की छलांग बचाए धमाल। लगता है पीजे मुन्नो का सोने का वक्त हो गया है। गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। हाँ चलो भी, मास्टर फैंग जैसे शांत हो जाओ। मुझे बार बार ये बताना बंद करो, मुझे गुस्सा होना है तो मेरी मर्जी है। बस तुम निंजा लीनों से निपटो और मैं तलवार ले आता हूँ। नाइट निंजा। क्या? यकीन नहीं होता कैट बॉय हम पर गुस्सा हो गया। मुझे भी। अरे तुमसे मास्टर फैंग लाख गुना बेहतर है। सचमुच? क्या मास्टर फैंग ये कर सकते हैं? अरे नहीं, हमें बचाओ, हमें बचाओ। ये रिकॉर्डिंग मिटा दो तुरंत। ऐसा सोचना भी मत, वो मेरी है। निंजोलिनोस, जल्दी से इन पीजे रोल्स को यहाँ से ले जाओ। कैट बॉय बचाओ। आउलेट गेको। सांस नहीं ले सकता, बचाओ। नहीं, ब्रेक खत्म, अब नई जगह चलते हैं। अब मैं नाइट निंजा को पकड़ूं या आउलेट और गेको को बचाऊं? उसने चालाकी की। आउलेट सही थी, गुस्सा करके कुछ नहीं होगा, और खास कर उस पे और गेको पे। हीरो बनने का और दिमाग शांत रखने का वक्त आ गया मास्टर फैंग की तरह। अरे गलत रास्ता। नहीं, अब मेरी दूसरी चाल, बिल्ली की ठाकू दौड़। कैट बॉय शांत रहकर अपने दोस्त को बचाने का प्लान निभाता है। डरो मत दोस्तों, पुराना कैट बॉय वापस आ गया है और वो मास्टर फैंग की तरह बिल्कुल शांत है। बिल्ली की ठाकू दौड़। सभी यात्रियों का आखिरी स्टॉप। सवारी बहुत ही बढ़िया थी। हमें बचाने के लिए शुक्रिया। ये तो मेरा फर्स्ट था, और तुम पर गुस्सा करने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। मैं कुछ ज्यादा ही मतलबी बन गया था। कोई बात नहीं, ये हमारा कैट बॉय है। शुक्रिया दोस्तों, और मेरे पास एक प्लान है। अगर नाइट निंजा और उसके निंजोलिनोस गुस्सा हुए तो वो भी गड़बड़ करेंगे। चलो पीजे मास्क। सबसे बढ़िया निंजा टीवी शो में आपका स्वागत है। आप अपनी आंखों पर यकीन नहीं करेंगे। शो खत्म हुआ नाइट निंजा, तलवार वापस कर दो। जैसे मैं करने वाला हूँ। जब तक ये मेरे पास है तुम पीजे मास्क को ये कभी नहीं मिलेगी। उस तलवार को बाहर निकालने की हिम्मत मत करना नाइट निंजा, वो सिर्फ मास्टर फैंग कर सकते हैं। नहीं, शांत हो जाओ कैट बॉय। सुनो निंजोलिनोस, तुम्हें तलवार को हाथ लगाना मना है क्या? शायद तुम उसके काबिल नहीं हो, वो कुछ ज्यादा ही अच्छी है ना नाइट निंजा? क्या? नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है कि मैं तुम लोगों से बेहतर चला सकता हूँ। नहीं रुको,
रुको, रुक जाओ, हटो, नहीं मेरी तलवार। वीडियो शूटिंग बंद करो, शो का स्टार तो मैं हूँ। ओ चिल्लाओ मत, तुम निंजा लीडर्स मुझे गुस्सा दिलाते हो। बहुत अच्छे दोस्तों, पीजे मास्क्स मिलाओ हाथ, क्योंकि दिन को बचाया हमने शांति से। देखते हैं मास्टर फैंग का शो शुरू हुआ या नहीं। स्वागत है मास्टर फैंग्स के फैंस का, और मेरी तलवार लौटाने वाले का बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, वो जो कोई भी था। हा, वो! तुम अब तक ठीक से नहीं कर पा रहे, पर गुस्सा मत होना। हाँ, इसमें गुस्सा होने वाली कोई बात ही नहीं है, है ना? कोई बात नहीं, मैं कोशिश करता रहूँगा।